नमस्कार, मैं सीमा सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय के योग संस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के संयुक्त तत्वधान में डॉक्टर अमरजीत यादव जी के निरीक्षण में इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। आइए देखें उत्थान पृष्ठ आसन की पूर्ण विधि, लाभ एवं सावधानियाँ। उत्थान पृष्ठ आसन, उत्थान पृष्ठ आसन संस्कृत शब्द से लिया गया है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है, उत्थान प्लस पृष्ठ प्लस आसन। उत्थान का अर्थ होता है एक्सटेंड अथवा खिंचाव, पृष्ठ का अर्थ होता है शरीर का पिछला भाग, आसन का अर्थ होता है स्थिति एवं मुद्रा। उत्थान पृष्ठ आसन में व्यक्ति की पोजीशन एक लिजर्ड के पोज हो जाती है, यानी छिपकली के सामान्य दिखाई देती है, इसलिए इसे छिपकली आसन कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे लिजर्ड पोज भी कहते हैं। आइए देखते हैं उत्थान पृष्ठ आसन की विधि। उत्थान पृष्ठ आसन के लिए सर्वप्रथम आपको अधोमुखी स्वान आसन में आना है। अधोमुखी स्वान आसन में आकर अपने आप को पूर्णतः ठीक तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और दाएं पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़िए और दाएं पैर को दाएं हाथ के पास अंदर की तरफ व्यवस्थित कीजिए, दृष्टि सामने की तरफ। कुछ क्षण रुके। अब दाएं हाथ को अंदर की तरफ ले और दाएं पैर को धीमे से बाहर की तरफ व्यवस्थित करें। एक गहरी लंबी श्वास ले, श्वास छोड़े और दाएं हाथ की कोहनी को जमीन पर व्यवस्थित करें। इसी प्रकार बाएं हाथ की कोहनी को जमीन पर व्यवस्थित करें। दाएं हाथ का घुटना 90 का कोण बनाता हुआ, बाएं पैर का घुटना लंबवत खींचा हुआ और एकदम सीधा। इस आसन में आपके शरीर का अगला भाग सहज और सरल रहेगा। शरीर का पिछला भाग पूरे खिंचाव के साथ। अगर आप बिगनर हैं तो इस आसन में 1 से 60 की गिनती तक रोकने का प्रयास करें। अच्छे अभ्यासकर्ता होने पर इस आसन को 3 से 5 मिनट तक प्राप्त करने का प्रयास करें। गहरी लंबी श्वास लें, हाथ की कोहनियों को ढीला छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। गहरी लंबी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए पुनः पैरों को वापस अधोमुखी स्वान आसन की स्थिति में स्थापित करें। अभी इसी आसन को बाईं तरफ से दोहराएं। एक गहरी लंबी श्वास लें, बाएं पैर को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को बाएं हाथ के मध्य पे व्यवस्थित करें। कुछ क्षण रुकें। अब बाएं पैर को धीमे से बाहर की तरफ ले जाते हुए बाएं हाथ को अंदर की तरफ व्यवस्थित करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ की कोहनी और दाएं हाथ की कोहनी को नीचे टिकाते हुए हाथों को लंबवत सीधा कर दें। बाएं पैर का घुटना 90 के कोण पे और दायां पैर पूरा खिंचाव के साथ घुटने सीधे। इस आसन में पुनः अपने शरीर के अगले भाग को स्थिर रखें और शरीर के पिछले भाग पे एक अच्छा सा खिंचाव आने दें। श्वास सामान्य, शरीर स्थिर और सरल बनाए रखें।
कुछ क्षण के बाद पुनः अपनी कोहनी को उठाते हुए हाथों को लंबा सीधा, दृष्टि सामने। अब बाएं पैर को वापस दाएं पैर के पास व्यवस्थित करें। अधोमुखी आसन की स्थिति में आए, श्वास छोड़ें, घुटनों को जमीन पर व्यवस्थित करें और बाल आसन में विश्राम करें। उत्थान प्रस्थासन के लाभ। उत्थान प्रस्थासन के नियमित अभ्यास से स्त्रियों को बहुत लाभ होता है। उत्थान प्रस्थासन के अभ्यास के समय पेल्विस रीजन पे एक अच्छा सा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से वहाँ पेल्विस रीजन के पास की मसल्स पे एक अच्छा सा रक्त का संचरण होता है और आपके जब पीरियड्स होते हैं या प्रेगनेंसी होती है उस समय पे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं उससे हमको निजात मिलता है। उत्थान प्रस्थासन के नियमित अभ्यास से आपकी ग्लूट्स मैक्सिम्स और हिप ओपनिंग में सहायता मिलती है, जिससे खड़े होने, भागने, दौड़ने, ऊंची कूद के अभ्यास में आपको लाभ मिलता है। यह एथलीट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है, क्योंकि जब आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन करते हैं तो इस आसन के नियमित अभ्यास से इस समय आपको बहुत लाभ मिलता है। जो आपके तैराकी होते हैं, क्योंकि आसन में जब आप रोकते हैं तो आपका ऊपरी हिस्सा, उस शरीर का ऊपरी हिस्सा आपके हाथों और कंधों पर स्थिर होता है, जिसकी वजह से कंधों की और हाथों की पेशियों में मजबूती आती है। इसलिए लंबी तैराकी के समय इस आसन से आपको बहुत लाभ मिलता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स पर एक अच्छा खिंचाव आता है, जिससे आप उच्च आसन जैसे कि आपके हनुमान आसन, परिवर्त हनुमान आसन, जानु सिर आसन के अभ्यास को करने के लिए आप सरलता से उन्हें हासिल कर पाते हैं। उत्थान प्रस्थासन के अभ्यास से आपके पेट और कूल्हे की चर्बी कम होती है। उत्थान प्रस्थासन से आपके पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आप इस आसन को खिंचाव देते हैं पीछे की तरफ तो आपके पेट के अंगों की पेशियों पर दबाव पड़ता है और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्थान प्रस्थासन के लिए सावधानियां। उत्थान प्रस्थासन अगर आपके हाथ कंधे में किसी प्रकार की चोट लग गई हो तो इस आसन को बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपका शरीर का अगला भाग आपके हाथों और कंधों पर स्थिर होता है, जिससे शरीर का अगले भाग का पूरा भार आपके हाथों और कंधों पर आता है। अगर हाथ कंधे पे किसी प्रकार की चोट है या कमजोरी है तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी मत करिएगा। इस आसन का अभ्यास आपके अगर कूल्हों पे किसी भी प्रकार का दर्द है तो इस आसन का अभ्यास करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कूल्हे पे जबरदस्ती आप खिंचाव देंगे तो बॉल और सॉकेट को प्रॉपर खिंचाव नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर रक्त का संचारण पर्याप्त मात्रा पे नहीं हो पाएगा और बॉल और सॉकेट के पास की इर्द गिर्द की पेशियों पर आपको एक दिक्कत हो सकती है, जिससे आपको चलने या खड़े होने में भी असुविधा महसूस होगी। उत्थान प्रस्थासन के लिए जब आपको बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप इस पे पिछला पैर को पीछे की तरफ सीधा करते हैं तो पूरा पैर का खिंचाव आपके लोअर बैक पे आता है। जितना फायदा हमको इस आसन के अभ्यास से बैक को मिलता है, यानी जितनी मेरुदंड हमारी सशक्त और सुदृढ़ होती है, उतने ही खिंचाव की वजह से इस आसन के गलत समय पे करने पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आजकल आम समस्या हो चुकी है, हमारी सर्वाइकल, स्कार्टिका, स्पॉन्डिलाइटिस आदि सभी रोगों का हमें सामना करना पड़ सकता है गलत समय पे इसका अभ्यास करते वक्त। हाँ, आप अगर एक अच्छे स्वास्थ्य में हैं तो इस आसन का अभ्यास जरूर करें। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। इस आसन को प्राप्त करने के लिए अगर आप बिगनर हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रायः प्रतिदिन करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपके पूरे शरीर के अंगों पर एक अच्छा सा खिंचाव आता है, जिसमें सूर्य नमस्कार का जो चौथा आसन होता है, जिसको आप असंचालन आसन कहते हैं, उसके नियमित अभ्यास करने से आपको इस आसन को प्राप्त करने में सावधानी और सुविधा मिलती है। अगर आप बिगनर हैं तो पूरा प्रयास करिएगा कि इस आसन में अपने शरीर की स्थिति को बहुत ध्यान रखिएगा और खाली पेट ही इस आसन का अभ्यास करिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस आसन को अभ्यास करने में किसी भी प्रकार का खिंचाव
एक्सटेंड या दिक्कत हो रही है तो वह आसन नहीं होगा, वह एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि योग में आसन हमेशा आपकी सरलता, सहजता, सबलता और सुदृढ़ता के हिसाब से आसन को प्राप्त करना होता है और आसन चिकित्सा की तरह देखा जाता है। अगर आपको उत्थान पृष्ठ आसन या ऐसे और भी आसनों के अभ्यास देखना है, सीखना है, तो आप आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।